एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी, शाम के बज रहे हैं ठीक 6:30 और हम लोग आए हुए थे मार्केट क्योंकि कुछ सब्जियां लेनी थी और वैसे भी घूमने का मन करा था। आज मदर्स डे है ना, तो सुबह से मैं बोल रही थी कि मुझे कहीं लेकर चलो, बट नहीं लेकर गए। फाइनली अभी सब्जी लेने बाहर आना था तो फिर हम लोग आ ही गए दोनों साथ में। तो सब्जी वगैरह हमने ले ली है और अब मैं जा रही हूँ अपना फेवरेट जूस पीने के लिए। गन्ने का जूस हम लोग पीने वाले हैं और उसके बाद हम लोग देखते कहाँ जाते हैं। नर्सरी जाना है? नहीं जाना? क्यों? पैसे खत्म हो गए? ऐसे तो तुमने मुझे कुछ दिलवाया नहीं है जो पैसे खत्म हो गए। और केक जो है आ चुका है घर पे, तो उम्मीद नहीं थी मुझे कि केक वगैरह कुछ आएगा, पर पतिदेव का पता नहीं चलता कब मेहरबान हो जाते हैं, तो बस मान हो गए तो केक भी आ गया है। तो चलिए पहले जूस पी लेते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करते हैं। पीने वाले हैं गन्ने का जूस। अच्छा, यहाँ पर और भी जगह गन्ने का जूस मिलता है, बट यहाँ जो जूस ये भैया बनाते हैं ना, उसकी बात ही अलग है। मतलब वैसा जूस मैंने पिया ही नहीं है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं, हिसाब होता है उनका अपना, नमक वगैरह किस हिसाब से डालते हैं, बट अच्छा बनता है। तो मैं हमेशा यहीं आती हूँ गन्ने का जूस पीने। मैं गाड़ी में बैठ के जूस का वेट कर रही हूँ, बाहर नहीं उतरती हूँ, गाड़ी के अंदर पी लेती हूँ क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा लोग हैं। और मेरे पतिदेव जो है ना, मेरे लिए जूस लेकर भी आ गए। पहले खुद पी के देख लो कैसा है। तो ये है गन्ने का जूस, बढ़िया ना? तो यार हम लोग आए हैं नर्सरी में, कुछ प्लांट्स हम लोगों को देखने हैं और एक तुलसी भी लेनी है हम लोगों को। जो गमला मैंने आपको दिखाया था ना, उसके लिए तुलसी लेनी है। तो देखते हैं क्या क्या प्लांट्स हम लोगों को यहाँ पर मिलते हैं। प्लांट्स हमने ले लिए हैं बट तुलसी नहीं ली है क्योंकि मैं भूल गई थी कि आज है संडे और संडे को तो तुलसी पे टच भी नहीं करते। तो तुलसी का प्लांट लेने जो है हम लोग कल आएंगे। फिलहाल हमने 2-3 प्लांट्स लिए, अब हम चलते हैं घर की तरफ। तो जी, अब हम लोग आ गए हैं घर और मैं थोड़ा बहुत सामान लेकर आई हूँ बच्चों के लिए भी, तो सुबह के लिए भी अभी लेकर आ गई हूँ। और मदर्स डे है तो बच्चों ने अपने लिए थोड़ा बहुत चीज़ें मंगवाई थी, तो उनके लिए भी मैं लेकर आई हूँ कि मम्मा आज हम लोग पार्टी करेंगे छोटी सी। तो बस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है ना, मैं थोड़ा बहुत सामान लेकर आई हूँ बच्चों के लिए। चिप्स वगैरह लेकर आई थी, थोड़ी बहुत कोल्ड ड्रिंक लेकर आई थी और साथ ही साथ आज मॉर्निंग में मिल्क नहीं मंगवाया था तो मिल्क भी लेकर आई हूँ। और क्योंकि नेक्स्ट डे बच्चों को जाना है स्कूल, तो कॉर्नफ्लेक्स और ब्रेड लेकर आई हूँ क्योंकि आजकल वंशिका को कॉर्नफ्लेक्स खाने का चस्का लगा है, उसे बड़े अच्छे लगते हैं कॉर्नफ्लेक्स, तो वो खा लेती है। और इवनिंग टाइम में भी जैसे बच्चों को भूख लगती है ना, तो कॉर्नफ्लेक्स वगैरह दे दो तो उनका पेट जो है वो भर जाता है, तो इसीलिए कॉर्नफ्लेक्स वगैरह मैं लेकर आई हूँ। इधर जो है मैंने दूध को चढ़ा दिया है बॉईल होने के लिए और अब जो है कट कर लेते हैं सब्ज़ी। केक वगैरह बाद में कट करेंगे, तो मैंने सोचा पहले ना अपना ये खाना वाने का काम मैं निपटा लूँ जितना भी हो सकेगा। और आज मैं बनाने वाली हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी। तो आपके कमेंट्स भी आते हैं कि दी आप गोभी वगैरह नहीं खाते हो ना, तो आज मैं गोभी ले आई हूँ। तो बस यहाँ पर गोभी मैंने कट कर दी है, साथ ही साथ जो है आलू भी कट कर लेते हैं। गोभी और आलू की सब्ज़ी बनेगी सूखी। और साथ में मैं लेकर आ गई थी कच्ची अम्बी क्योंकि आजकल कच्ची अम्बी आ रही है, तो जितना हो सके चटनी में यूज़ करना चाहिए क्योंकि आम, कच्चा आम बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी करता है। अच्छा, फ़ायदे के साथ नुकसान भी हैं, बट वही है कि डिपेंड करता है आप किस तरीके से उसको खा रहे हैं। अगर आप चटनी बनाकर खा रहे हैं और कम क्वांटिटी में खा रहे हैं ना, तो पेट के लिए बहुत अच्छी होती है।
तो इधर जो है कढ़ाई में डाला है मस्टर्ड ऑयल, साथ में थोड़ा सा जखिया डाला है, और उसके बाद ये जो आलू और गोभी है ना ये ऐड कर दी है मैंने। इस टाइम पे मैंने कोई भी प्याज और लहसुन इसमें नहीं डाला है। मैं क्या करूँगी आज की पहले तो इसको ऐसे ही पकने दूँगी आयरन की कढ़ाई में, और उसके बाद थोड़े से ना टमाटर और लहसुन और हरी मिर्च की प्यूरी बनाऊँगी, और उसके बाद इसको ऐड करूँगी, मतलब तब जब कि सब्ज़ी जो है वो 95% पक जाएगी। तो इधर जो है सिंपल जो बेसिक मसाला होता है पहले वो ऐड कर लेते हैं, फिर उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और उसके बाद जो है इसको ढककर पकाएंगे। तो आयरन की कढ़ाई में जैसे पहले ही टमाटर डाल दो ना तो सब्ज़ी पकने में बहुत ही ज़्यादा टाइम ले लेती है। तो दूध ना मैंने ढक दिया था, क्योंकि जब हम इसमें सब्ज़ी डालते हैं ना कढ़ाई में तो छींटे आते हैं ऑयल के, तो इसलिए मैंने दूध पहले ही ढक दिया था। अच्छा, इधर थोड़े से बर्तन भी हो गए हैं, तो साथ के साथ उसको भी वॉश कर लेंगे जब तक कि सब्ज़ी बन रही है। बर्तन वगैरह वॉश करने के बाद जो है ना आपके साथ शेयर करूंगी कच्चे आम की चटनी की रेसिपी, जो कि मैं एक बार शेयर कर चुकी हूं, लेकिन उसके बाद भी आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि दी हमने नहीं देखी है, तो आप एक बार और शेयर कर देना। तो जिस तरीके से मैं बनाती हूं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बर्तन वॉश हो चुके हैं, अब जो है सब्ज़ी चेक कर लेते हैं। तो सब्ज़ी भी जो है 95% पक चुकी है। अब इसमें जो टमाटर वाली प्यूरी मैंने बनाई थी ना वो ऐड कर लेते हैं, और इसको 2 से 3 मिनट जो है ढक के पकाएंगे, और बहुत अच्छे से सारी ग्रेवी पक जाएगी। और ये है आज का केक, जो कि बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे ऑर्डर हुआ है। आज मम्मी का दिन है। तो ये थी हमारी छोटी सी पार्टी, छोटा सा मदर्स डे सेलिब्रेशन। कैसा लगा आपको ज़रूर बताइएगा। अच्छा, प्लानिंग तो थी कि कहीं बाहर जाएंगे, बट इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि कहीं निकल ही नहीं पाए। लेकिन क्या था कि बच्चे ना इतने में ही खुश हो जाते हैं, उन्हें क्या चाहिए, केक चाहिए, थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, चिप्स वगैरह चाहिए, और बच्चों की पार्टी बहुत अच्छे से जो है घर में ही हो जाती है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने मदर्स डे जो है सेलिब्रेट किया। अब जल्दी से कच्चे आम की चटनी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर आम लेकर आई हूँ मैं, तो 2 आम जो है मैंने कट कर लिए हैं। तो कट करने के बाद जो है इसमें ऐड करेंगे पुदीना, और पुदीना ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा पुदीना ऐड करने से कड़वापन आता है, तो बस थोड़ा ही पुदीना मैंने इसमें ऐड किया है। अब इसमें मैं 2 हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ, आप स्पाइसी खाते हैं तो और कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है इसमें मैं ऐड करूँगी काला नमक 1/2 चम्मच, और उसके बाद हल्की सी चीनी, मतलब 1/2 चम्मच से भी कम चीनी मैं इसमें ऐड करूँगी, और फिर थोड़ा सा वाइट वाला नमक है वो भी जो है इसमें ऐड करूँगी। बाद मैंने इसमें ऐड किया है एक बिल्कुल छोटा सा प्याज, और उसके बाद इसको पीस लेंगे, और यहाँ पर चटनी बनके है तैयार। और इसके साथ ही मैं अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करती हूँ। तो वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा।